आज एयर इंडिया 7 दशक बाद पूरी तरीके से टाटा ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। 69 साल बाद 27 जनवरी 2022 को टाटा सन्स ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को टेक ओवर कर लिया। इसके बाद टाटा देश की दूसरी बड़ी एयरलाइंस बन गई है। ऐसे में जब 28 जनवरी एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-665 ने दिल्ली से मुंबई की उड़ान भरी, तो फ्लाइट के कैप्टन ने सभी पैसेंजर्स का स्वागत कुछ अलग अंदाज में किया। फ्लाइट के कैप्टन थे वरुण खंडेलवाल, जिन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनाउंस करते हुए सभी पैसेंजर्स को बताया कि अब एयर इंडिया टाटा ग्रुप की हो गई है। कैप्टन ने कहा कि आप सभी का स्वागत इस ऐतिहासिक उड़ान में करना चाहूंगा। आज एयर इंडिया 7 दशक के बाद पूरी तरह से टाटा ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। इस नए एयर इंडिया में आपका स्वागत करूंगा और उम्मीद करता हूं कि इस सफर में आप पूरी तरह से हमारे साथ आनंद उठा सके। धन्यवाद। आपका कप्तान वरुण खंडेलवाल बोल रहा हूँ। मेरे साथ विमान इंद्र कक्ष में मेरे सहयोगी कप्तान दीपाली प्रतापे हैं और अन्य सभी कर्मचारियों की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत हमारे एयरबस के 321 जहाज एयर इंडिया की उड़ान संख्या 665 जो कि मुंबई को जा रही है उसमें करता हूँ। और साथ ही आप सबका स्वागत इस ऐतिहासिक उड़ान में करना चाहूंगा। आज एयर इंडिया 7 दशक बाद पूरी तरीके से टाटा ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। इस नए एयर इंडिया में आपका स्वागत करूंगा और उम्मीद करता हूं इस सफर में आप पूरी तरीके से हमारे साथ आनंद उठा सकें। धन्यवाद। 27 जनवरी को एयर इंडिया के हैंडओवर से पहले टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन पीएम नरेंद्र मोदी से मिले। चंद्रशेखरन ने एक चिट्ठी भी तमाम साथियों को लिखी, जिसमें कहा गया कि एयर इंडिया की जिस दिन से टाटा को दिए जाने की घोषणा हुई, घर वापसी ये शब्द सभी की जुबान पर आ गया। हम एयर इंडिया का टाटा परिवार में स्वागत करते हैं। मेरी भी पहली फ्लाइट एयर इंडिया में ही थी, जिसमें मैंने दिसंबर 1986 में यात्रा की थी। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता, पर अब समय आगे देखने का आ गया है। मैं अपने परिवार में आपका स्वागत करते हुए टाटा ग्रुप की तरफ से ये चिट्ठी लिख रहा हूं। आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है, पूरा देश हमारी ओर देख रहा है। आपको बता दें कि टाटा एयर इंडिया में कई तरह के चेंजेस करने की तैयारी में भी है। जैसे कुछ उड़ानों में पैसेंजर्स को बेहतर मेन्यू ऑफर किया जाएगा। दिल्ली मुंबई, मुंबई आबुधाबी की फ्लाइट्स पर शानदार भोजन मेन्यू होगा। उड़ानों में टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा का विशेष रिकॉर्डेड संदेश भी सुनाया जाएगा। फ्लाइट में होने वाली घोषणाओं में बदलाव, कैबिन क्रू की नई SOP तैयार होगी। शुरुआती फोकस ग्राहक एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर होगा। एयरलाइंस की लेट लतीफी में सुधार किया जाएगा, इसलिए टेक ऑफ से 10 मिनट पहले ही दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। बात करें एयर इंडिया के इतिहास की, तो इसकी शुरुआत अप्रैल 1932 में हुई थी। इसकी स्थापना उद्योगपति JRD टाटा ने की थी। उस वक्त नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। JRD टाटा ने महज 15 साल की उम्र में साल 1919 में पहली बार शौकिया तौर पर हवाई जहाज उड़ाया था, लेकिन शौक जुनून बन गया और JRD टाटा ने अपने पायलट का लाइसेंस ले लिया। JRD टाटा पायलट का लाइसेंस लेने वाले पहले भारतीय थे। एयरलाइंस की पहली कमर्शियल उड़ान 15 अक्टूबर 1932 को भरी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि प्लेन में उस वक्त एक भी यात्री नहीं था, बल्कि 25 किलो चिट्ठियां थी। चिट्ठियों को लंदन से इंपीरियल एयरवेज से कराची लाया गया था। ये एयरवेज ब्रिटेन का राजसी विमान था। इसके बाद साल 1933 में टाटा एयरलाइन ने यात्रियों को लेकर पहली उड़ान भरी थी। टाटा ने 2 लाख रुपए की लागत से कंपनी स्थापित की, लेकिन कर्ज में डूबती इस एयरलाइन को टाटा ने 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। जिस दौर में एयर इंडिया टाटा ग्रुप की हुआ करती थी, उस दौर में एयर इंडिया को दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित विमानन कंपनियों में से एक माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे एयर इंडिया कर्ज में डूबती गई। और अगर सरकार कुछ और सालों तक एयर इंडिया को अपने पास रखती, तो हर दिन सरकार को 20 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा था। और यही वजह है कि सरकार ने एयर इंडिया को टाटा को बेच दिया। एयर इंडिया को खरीदने के बाद टाटा का सिर्फ एक मकसद है, एयर इंडिया को एक बार फिर से दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एयरलाइंस बनाना।